गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गूगल क्लासरूम में आपका स्वागत है। मैं आज आपको मोनोक्रोम एक रंग में बनने वाले सिंपल कोलाज पेंटिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपके सामने एक तस्वीर दिख रहा है जिसमें कुछ कोकोनट की ट्री हैं लंबे लंबे। इसे पहले आप ध्यान से देखिए, दिस वन। इसे कैसे बनाया गया है, इसके स्टेप के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं। ये देखिए, इसके स्टीम के लिए हम सिंपल ब्लैक पेपर लेंगे और स्टीम के लिए इसे लंबा इसे इस तरह कट करते हैं। ये हमारा स्टीम हो गया। आप जितना चाहे उतना स्टीम इस पर लगा सकते हैं। फेस के लिप्स के लिए, इन लिप्स के लिए हम एक साथ ब्लैक पेपर लिया हमने और इसे हम फोल्ड करेंगे। दो तीन फोल्ड किया हमने इसे, फिर हम इसे एक साथ ही कट करते हैं। देखिए, आप चाहें तो पहले इस पर स्केच कर सकते हैं अगर आपको काटने में प्रॉब्लम हो, राइट। तो बेहतर होगा कि आप एक लीफ का इस पर इस ढंग से स्केच कर लीजिए। ये हमने स्केच कर लिया है, अब मैं इसे कट कर रहा हूँ। ये बिखरना नहीं चाहिए। देखिए, इस प्रकार हमें एक नहीं, एक साथ हमें चार पेटल मिल जाता है। 1 2 3 4। अब आप स्टीम पे जगह इसे चिपकाएंगे, इस चार पेटल को इसके ऊपर अरेंज कर देंगे हम। 1 2। चिपकाने के पहले आप इसे ऐसे रख के एडजस्ट कर लें कि आपका सीन सही बन रहा है या नहीं बन रहा है। ये चार पेटल हुआ। नीचे के ग्लास के लिए हम कुछ पेपर को लेते हैं। इसे ग्लास के शेप में हमने काट दिया। आप इसे ग्लास की जगह चिपका सकते हैं, दिस वन, या फिर इस पेपर को। ये देखिए, ये हमारा सीन। ऐसे करके आप पहले इसे एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से कि ऊपर कम लग रहा है, ऊपर हम एक दो पेटल जोड़ दे रहे हैं।
हमारा एक ट्री तैयार हो गया है। अब इसे फेविकॉल की मदद से हम चिपका देंगे, हमारा कंपोजिशन पूरा हो गया। इसी प्रकार से आप दिस मेथड को आप यूज़ करके, इसी मेथड को यूज़ करके आप इस पूरे कंपोजिशन को बना सकते हैं। आइए इस मोनोक्रोम कोलाज का एक और रूप हम देखते हैं कि हम कैसे बनाते हैं। मैंने कुछ ब्लैक पेपर के कतरन को लिया है, इससे हम छोटे छोटे लीव्स काटेंगे जो काफ़ी आसान है काटना। ये देखिए, आपको प्रॉब्लम हो तो बेहतर होगा कि आप पहले स्केच कर लें उसके बाद काटें। ये देखिए, एक साथ ये चार लीव कट गया है। आप चाहे तो और भी कुछ लीव्स इस तरह से काट कर रख सकते हैं। कुछ लीव इस तरह से काट लेंगे। इसी प्रकार से मैंने मोड़ के एक साथ ही मैंने बर्ड्स काटा है। इसे काटने के लिए आप पहले सिंपल बर्ड आप स्केच करेंगे। देखिए सिंपल, सिंपल बर्ड मैंने स्केच किया है और इसी बर्ड्स को मैंने तीन चार काट के रखा है। अब आप अपनी कल्पना के हिसाब से इसे सेट करेंगे। ये कंपोजिशन हर एक स्टूडेंट का अलग अलग भी हो सकता है, आपकी कल्पना जितनी अच्छी होगी ड्राइंग आपका उतना अच्छा होगा। इसे आप ऐसे एडजस्ट करें, ऐसे इस पर पेस्ट कर देते हैं। इस कंपोजिशन को आप अपने हिसाब से अलग अलग जगह भी पेस्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने तीन बर्ड्स को तीन स्टाइल में पेस्ट किया है। अब हम ब्लैक मार्कर लेंगे और अपनी कल्पना के हिसाब से इनके पैर के नीचे से हम एक डाली को गुजार रहे हैं। आप यहाँ पर ब्लैक मार्कर की जगह ब्लैक पेपर का कटिंग भी ले सकते हैं। ब्लैक पेपर लेकर इसका पतला पतला स्ट्रिप काट कर ये भी लगा सकते हैं, वो भी काफ़ी आकर्षक लगता है। ये फिर मार्कर का भी यूज कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे ये मोनोक्रोम है, इसलिए ब्लैक या डीप चॉकलेट या डीप ब्राउन ऐसे ही पेपर यूज करेंगे आप। इसके अलावा कोई अलग पेपर यूज नहीं करें, ये ब्लैक एंड वाइट में ये कंपोजिशन बेहतर लगता है। अब मैं इन लीव्स को ले रहा हूँ। देखिए
इस प्रकार ये कंपोजिशन तैयार हो गया है। इसे आप घर में बनाने का प्रयास जरूर करें, ये आपका होमवर्क भी है। इसके अलावा भी मैं दो चार एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसको भी इसके साथ बनाने की कोशिश करें। और नेक्स्ट संडे तक आप गूगल क्लासरूम में इसे अपलोड करें।